लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। वॉइस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस मुठभेड़ में दो शराब तस्कर गिरफ्तार। आपको बता दें, एक तमंचा और सेंट्रो कार की बरामद। शुकाबाद में वाहनों की जाँच के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बुधवार की रात कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार तोमर ने पत्रकारों को बताया कि बुधवार की रात को माय फोर्स के साथ बूढ़ा पुल पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। आपको बता दें, तभी सूचना मिली कि एक सेंट्रो कार शहर की तरफ से आ रही है। इसमें दो लोग सवार हैं और उनके पास असला और शराब भी हैं। इस पर वे सतर्क हो गए। जैसे ही कार पास आई तो पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया। इस कार पर सवार दोनों युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें, पुलिस ने बचाव करते हुए कार सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार तोमर ने बताया कि पकड़े गए युवकों ने अपने नाम दीपेंद्र पुत्र कुमार पाल, रंजीत पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी यदुवंश नगर शुकहाबाद बताया है। उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से एक तमंचे, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा 96 क्वार्टर देशी शराब तथा एक सेंट्रो कार बरामद की है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आपके परिप्रेक्ष्य में रात्रि में 4 और 5 की रात्रि में दो अभियुक्तों को बाद मुठभेड़ के गिरफ्तार किया है बूढ़ा नहर पुल के पास से। ये लोग अवैध रूप से व्यापार शराब के क्वार्टरों पर गलत कोड लगाकर उनको सप्लाई किया करते थे। एक का नाम दीपेंद्र सुनब कुमार पाल है और एक का नाम रंजीत सुनब शिशुपाल है। ये दोनों एक एका थाने का रहने वाला है और एक शिकोहाबाद का ही रहने वाला है। ये यही इस तरह के अवैध कामों में लिप्त रहते हैं और पुलिस को देखकर इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। उसके बाद इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ लिया गया। लगभग कितनी शराब पकड़ी गई? ये करीबन 2-3 पेटी पकड़ी गई है शराब की। 2 पेटी बरामद है, बाकी क्वार्टर और भी कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कहाँ कहाँ बेचते थे। सर, इनके पास क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से सर शराब बरामद हुई है और तमंचा बरामद हुआ है। एक सेंट्रो कार है, वो भी चोरी की प्रतीत होती है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है।